bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum dear viewers today we will discuss zakat officer bps 17 public service commission test preparation let's start zakat was made obligatory in a 1 ah first hijri b second c third and d fourth AH, and the correct answer is 2 ah which is the correct answer and the सेकेंड नंबर एमसीक्यूज़, द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़ुकात इज़ ए अडल्ट्रेशन बी प्योरीफिकेशन सी स्पेंडिंग डी सेविंग एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज़ इज़ बी प्योरीफिकेशन विच इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़ुकात, जिसका मतलब है कि पाक करना विच इज़ द करेक्ट आंसर प्योरीफिकेशन नाउ थर्ड नंबर एम्सक्यूज़ द इफेक्टिव जक़ात सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ़ ए पोवर्टी बी इंट्रस्ट सी क्लास डिस्टिक्शन डी इग्नोरेंस एंड क्रैक्ट आंसर ऑफ दिस एम्सिक्यूज़ इज़ द इफेक्टिव ज़क़त सिस्टम कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ़ किस चीज़ का जो है वो ख़ात्मा होता है पोवर्टी पी ओ वी ई आर टी वाई ए इज़ द कुरेक्ट आंसर फोर्थ नंबर एम सी क्यूज़ अमाउंट ऑफ़ जक़ात कैन नाट बी यूज इन ए मद्रसा बी मॉस्क सी हॉस्पिटल डी ऑल ऑफ दीज अमाउंट ऑफ जक़ात कैन नाट बी यूज इन जो ज़क़त की अमाउंट है वो कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते इसका कुरेक्ट आंसर है मॉस्क बी बी इज़ द कुरेक्ट आंसर नेक्स्ट टाइम सी क्यूज़ फाइव नंबर नंबर ऑफ़ हेड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ जक़ात इज़ कितने जो हेड्स हैं जिसमें हम जक़ात डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए सेवन बी नाइन सी टेन डी एट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी एट एट इज़ द करेक्ट आंसर नंबर ऑफ़ हेड्स फॉर जक़़त डिस्ट्रीब्यूशन आर एट नेक्स्ट सिक्स नंबर इंजेक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ़ ज़क़़ इज़ इन जो यूटिलाइजेशन है इस्तेमाल है जकआ़त का वो किस शुरह में इसके बारे में बयान है ए शुर काफिरून बी शुर एसाब सी शरा तोबा डी शुरह बकर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुरह तोबा सी इज़ द करेक्ट आंसर सेवन नंबर एम सी क्यूज़ फॉर पेमेंट ऑफ ज़क़़ ऑन सिल्वर चांदी पर जकवात की जो पेमेंट है द डिटरमाइंड अमाउंट इज़ ए फिफ्टी टू एंड अ हाफ तोलास बी फिफ्टी वन एंड अ हाफ़ तोलास सी फिफ्टी एंड अ हाफ़ तोलास डी फोर्टी एंड अ हाफ़ तोलास इसका जो करेक्ट आंसर है चांदी पर जक़ात कितनी है फिफ्टी टू एंड अ हाफ बावन साढ़े बावन तोला चांदी पर जक़ात फर्ज है एट नंबर एम सी क्यूज इफ़ अ पर्सन हैज़ डैश गोल्ड ज़क़ात इज़ पे कितने सोने पर जक़ात जो है वो बनती है ए सिक्स एंड अ हाफ तोलास बी सेवन एंड अ हाफ़ तोलाश सी एट एंड अ हाफ़ तोलाश डी नाइन एंड अ हाफ तोलास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी सेवन एंड अ हाफ़ तोलास साढ़े सात तोला सोना पर ज़कात बनती है नाइन नंबर एम सी क्यूज़ जक़ात इज़ द डैश फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम इस्लाम का कौन सा पिलर है स्तून इस्लाम का जो स्तून है वो किस कौन से नंबर पर है ज़कात ए फर्स्ट बी सेकंड सी थर्ड डी फोर्थ और इसका जो करेक्ट आंसर है कि जक़ात इज़ द फोर्थ पिलर या फोर्थ फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज है नेम द प्लेस वेयर द लाज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ जक़त वार इम्प्लीमेंटेड ए मक्का बी मदीना सी ताइफ डी जदा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी मदीना हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ zakat जक़ात की कितनी टाइप्स हैं ए वन बी टू सी थ्री एंड डी फोर और इसका जो करेक्ट आंसर है कि टाइप्स ऑफ ज़कात कितनी हैं वो हमारे पास है टू दो किस्म की ज़कात होती हैं नेक्स्ट हमारे पास है पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे ज़कात इज़ नॉन एज़ ए साहिब तोफ़ीक बी साहब हिसाब सी साहिब निसाब डी साहिब अमवाल तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है साहिब निसाब सी हमारे पास करेक्ट आंसर है साहिब निसाब नेक्स्ट टाइम सी क्यूज़ देर वाज नो डिफरेंस बिटवीन जक़ात एंड सलात नमाज और जक़ात में कोई डिफरेंस नहीं है सेड दैट ये किसने कहा था ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तन हो बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सी हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तैन हो डी उस्मान रजी अल्लाह अन्हो और इसका करेक्ट आंसर है सी हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला हो फोरटीन नंबर एम सी क्यूज़ हैं हमारे पास इफ़ वन हैज़ डैश कैमल्स कितने कैमल्स होने चाहिए ऊंट कितने होने चाहिए ही शुड पे ज़कात जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है ए फाइव बी सेवन C9, D11 और इस एम का जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ए फाइव फाइव कैमल्स पर जो है वो ज़क़़़़़त फ़र्ज़ है फिफ्टीन नंबर है इफ़ वन हैज़ डैश गॉड्स ही शुड पे ज़क़़त कितनी बकरियां या भेड़ें जो होती हैं वो कितनी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप पे ज़कात फ़र्ज़ है ए थर्टी बी फोर्टी सी फिफ्टी डी सिक्सटी करेक्ट आंसर इज़ बी फोर्टी फोर्टी गॉड्स पे जो है वो ज़कात फ़र्ज है सिक्सटीन नंबर इफ़ वन हैज़ डैश काउ ही शुड पे ज़कात ए टेन टू ट्वेंटी बी ट्वेंटी टू थर्टी नंबर सी थर्टी टू फोटी एंड डी फोर्टी टू फफ्टी कितनी जो है वो काउज़ होनी चाहिए जिसपे ज़कात फ़र्ज़ है तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सी सी इज़ द करेक्ट आंसर थर्टी टू फोर्टी हमारे पास अगर काउज़ हो किसी के पास भी तो वो उस पे ज़क़ात फ़र्ज़ है सेवनटीन नंबर देयर आर डैश ज़कात ज़कात के कितने मुसारिफ हैं ए टू बी फोर सी सिक्स डी एट और इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है डी एट नेक्स्ट हमारे पास एम हम सी क्यूज़ है डैश इज़ द नंबर ऑफ आयात इन विच मुसारफ़ जक़ात आर मैंश जिन चीज़ों पर जक़ात फ़र्ज़ है उनके बारे में जो उसके मुसारफ़े ज़कात हैं उनके बारे में कितनी आयात में बताया गया है ए थर्टी बी फोटी सी फिफ्टी डी सिक्सटी और इसका करेक्ट आंसर है डी सिक्सटी नाइन्टीन नंबर एम सी क्यूज़ है डैश इज़ आल्सो कार्ड ज़कात. ए जजिया जिज, टैक्स बी पोल टैक्स सी टोल टैक्स डी पुअर टैक्स डैश इज़ ऑल्सो कार्ड इज़ आल्सो कार्ड ज़कात किस कौन से टैक्स को जक़ात कहा जाता है इसका करेक्ट आंसर है इस एम का डी पोअर टैक्स इज़ आल्सो कार्ड ज़कात टैक्स ट्वेंटी नंबर एम है हमारे पास द वर्ड ज़कात इज़ टेकन फ्राम द डैश वर्ड ज़क़ात जो लफज है वो किस लफ़ से निकला है ए तज़क़िया, बी ज़क़ात, सी तज़क़, डी आल ऑफ़ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ए तज़क़िया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्वेंटी वन एम सी क्यूज़ वेन ज़क़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस प्रोमोगुलेटेड इन पाकिस्तान पाकिस्तान में कब जो है वो नाफिज हुआ था ज़क़ात और उशर का जो ऑर्डिनेंस है ये किस सन में हुआ ए 1979 बी 1980 सी 1981 डी 1982 और इसका करेक्ट आंसर है ए 1979 में जो है ये नाफिज हुआ था हमारे पास और डैश प्रोम्यूल्टिड जक़ात एंड उशर ऑर्डिनेंस किसने ये जो ज़कात और उशर का जो ऑर्डिनेंस था उसको नाफिज किया था ए जनरल एयूब बी जनरल ज़िया सी जनरल याहिया डी नान ऑफ दीज इस एम सी क्यूज़ का माय पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी जनरल ज़िया नेक्स्ट हमारे पास है द पीपल हु डोंट पे ज़क़ात आर कार्ड वो लोग जो ज़क़ात पे नहीं करते अदा नहीं करते ये काफिर बी मुनाफिक सी हरीजी डी नान ऑफ दिस। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ए जो लोग ज़क़ात अदा नहीं करते वो काफ़िर कहलाते हैं नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज़र ट्वेंटी फ़ोर नंबर सलात एंड ज़क़ात वार ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू बनी इसराइल एंड विच वारंटीन्यूड फॉर द मुस्लिम उमा आल्सो ये किस सूरा में इसका जो है वो बयान है ए अल बकरा बी अल इमरान सी अल अलसा डी अल अलमायदा इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ए अल बकरा एलबकरा अल बकरा में सलात और नमाज के बारे में हुक्म है नेक्स्ट हमारे पास है द निसाब ऑफ जक़ात इज़ ए में वे है एक वन एंड अ हाफ़ बी टू एंड अ हाफ सी थ्री एंड आ हाफ एंड डी फोर एंड अ हाफ़ हमारे पास जो ज़कात है वो साढ़े बावन तोले चांदी साढ़े सात तोले सोना और इस पर भी जो है वो हमारे पास ढाई ढाई फ़ीसद होता है ठीक है इसका करेक्ट आंसर है बी टू एंड अ हाफ़ ऑन साढ़े बावन तोले चांदी और साढ़े सात तोले सोना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मस्ट लर्न दिज एम सी क्यूज फॉर यूर टेस्ट आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज़